तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आशा करते हैं अच्छे होंगे और हमारे चैनल टेक अप में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मेरे पास कमेंट आया था कि Redmi Note 9 में हमें दिखाओ कि क्या vrbox Redmi Note 9 में सपोर्ट करता है या नहीं करता है, तो आज की वीडियो में सिंपली मैं यही बताऊंगा कि Redmi Note 9 जो मोबाइल है वो क्या vrbox में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आपको vrbox के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, जैसे कि vrbox कौन कौन से मोबाइल में चलेगा, vrbox में यूट्यूब में कैसे देखें, या बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है ऐसी जो आपको vrbox से रिलेटेड मिल जाती हैं। साथ ही में अगर आपको कोई सी भी वीडियो चाहिए vrbox पे तो मैं वन बाय वन करके सारी वीडियो बनाता हूं, जैसे कि अभी मैं कमेंट के बेस पे ही वीडियो बना रहा हूं। इस तरीके से आपको vrbox पे कोई सी भी वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारा vrbox और अभी मैं इसकी प्लेट निकाल देता हूँ जिसके अंदर हमारा स्मार्टफोन फिट होएगा। चलिए मैं पहले स्मार्टफोन को फिट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ Redmi Note 9 स्मार्टफोन जो है उसकी स्क्रीन रेशियो है 6.53 इंच। तो 6.53 इंच के स्मार्टफोन को मैं आपको इस प्लेट में लगा के दिखाता हूँ। अगर कोई सा भी स्मार्टफोन इस प्लेट के अंदर लग जाता है, ये vrbox की प्लेट है, अगर इसके अंदर लग जाता है तो इसका मतलब है vrbox सपोर्ट करता है। अगर आपके मोबाइल में vrbox का कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको हमारी ये वाली वीडियो देख लेनी है, इसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी स्मार्टफोन में vrbox कैसे चलाएंगे। चलिए अभी हम इसको फिट करके देखते हैं क्या ये प्लेट में फिट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्मार्टफोन इसके अंदर फिट हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये स्मार्टफोन फिट हो गया है Redmi Note 9। इसका कहने का मतलब ये है कि Redmi Note 9 के अंदर हमारा vrbox सपोर्ट करता है। एक बार मैं आपको vrbox के अंदर Redmi Note 9 फोन लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फोन को अंदर लगा दिया है और अभी मेरा फ़ोन अंदर ही है। देख सकते हैं सिंपली ये इसमें फ़ोन लगा हुआ है और सिंपली मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ। और इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और अगर आप इसके लेंस में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा, फ़ोन की डिस्प्ले दिखेगी। तो इस तरीके से आप vrbox को यूज़ कर सकते हैं और आप Redmi Note 9 स्मार्टफोन खरीद सकते हैं अगर आपको vrbox का मजा लेना है तो, या vrbox आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपके पास Redmi Note 9 फ़ोन है और आप ये कन्फ्यूज़न में है कि क्या सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो आप खरीद सकते हैं। vrbox को खरीदने की लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से आप ये वाला vrbox खरीद सकते हैं। और ऐसी नई नई वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।